वो एक इंटरव्यू में उसका जिक्र हुआ था। वो एक खातून यूट्यूबर है, उन्होंने कहा है कि जी मेजी साहब ने भी खुद जो है भाग कर शादी की है और ये बता हाथ अमल है। मैं माजर चाहता हूँ, मैं इतना सख्त सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा शायद इस पर भी क्लेरिफिकेशन। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिससे कि आप मेरे घर पर आइएगा, मैं अपनी शादी की वीडियो जो पड़ी है वो टीवी पर लगाऊंगा। मेरी शादी में फिरदौस आशिक अफगान साहिबा भी आई थी। मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा बंदा वलीमे में मौजूद था। और जिस तरह एक खानदानी शादी होती है बड़ी रिस्पेक्टफुली, मेरी पप्पा के घर मेरी शादी हुई थी और मैं अभी इन लाज के पास ही रह रहा हूँ। अगर मैंने पका के शादी की होती तो मैं इन लाज के पास ना रह रहा हूँ। सेकेंडली मेरे पास अपनी शादी के तमाम एविडेंसेज हैं, वीडियो है, तो ये मेरे ख्याल उनको शट डाउन कॉल करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद थोड़ा सा इस चीज़ का वो करना चाहिए, क्योंकि आज वो मेरे लिए ऐसा कर रही है, कल कोई ऐसी चीज़ें उनके अगेंस्ट भी उनके सामने भी आ सकती हैं, क्योंकि एक बात उनकी करेक्टर मकाफत अमल होता है। नहीं, अगर आप उन्होंने आप पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है जो नहीं है, तो क्या आप कोई साइबर क्राइम का केस करेंगे उनके? देखिए, उन्होंने मेरे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, मैं कुछ तो यहाँ मतलब उन्होंने मुझे ये कहा था कि सबसे पहले वो शुरू हुई कि मेरे ऊपर FIA की केस। मैंने उन्हें एक लीगल नोटिस उस वक्त इशू किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर FIA के केसेस को छोड़े, अगर मेरे ऊपर कोई पुलिस में कोई केस हो, किसी और कानून साज इदारे में कोई केस हो, तो उसे साबित करें। वो उसे साबित नहीं कर सकी। अब वो पर्सनल चीज़ों पे आ गई। उसके बाद यहाँ तक बोला गया जी मैं बेसिकली मैं कादियानी हूँ और मेरी वाइफ भी नॉन मुस्लिम है। अल्लाह का शुक्र है जी, हम मुसलमान हैं, बाई बर्थ मुसलमान हैं और हम लोग सैयद हैं।